कानूनी हक बनता है कि वो जवाबी हमला करे। और ईरान ने दावा किया है कि उसने 72 घंटे पहले ही अपने पड़ोसियों के साथ में अमेरिका को भी बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। यानी ईरान कहना यह चाहता है कि उसने अमेरिका को पहले ही बताकर हमले को नाकाम करने की तैयारी का मौका दिया था। पश्चिम एशिया में खाड़ी खोल रही है। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इसराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, उसे इसराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इसराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इसराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा और इस पर कब एक्शन लिया जाएगा। इसराइल का बदला अभी बाकी है। तेल अवीव का ऐलान, तेहरान से घमासान। नेतन्याहू का प्लान, रईसी से इंतकाम। गाजा में इसराइल ने बारूद की बारिश करके दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है, और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इसराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इसराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि रविवार की सुबह तेहरान ने क्रूज, बैलिस्टिक और ड्रोन मिसाइलों की इसराइल पर बारिश कर दी, और बाद में धमकी भी दे डाली है कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इसराइल का नामो निशान मिटा देगा। این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. ईरान को पता है कि इसराइल चुप नहीं बैठने वाला, और इसराइल के साथ उसके साथियों को भी ये मालूम है कि ईरान ने भी सोच समझकर और पूरी तैयारी करने के बाद इस हमले को अंजाम दिया होगा। लिहाजा इसराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका इसराइल को रोकने के लिए बयान दे चुका है, और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। पश्चिम एशिया में तय है महाजंग। नेतन्याहू छोड़ेंगे नहीं, रईसी रुकेंगे नहीं। ईरान इजराइल भिड़ेंगे, अमेरिका रूस लड़ेंगे। अमेरिका भले ही इस युद्ध को टालने के लिए इसराइल को ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने का अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन उसे ये मालूम है कि इसराइल रुकने वाला नहीं है। इसराइल की वॉर कैबिनेट में इसी पर बात चल रही है। इसराइल के कई सांसद ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने के खिलाफ हैं। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच रविवार को हुई बातचीत के बाद मामला अटका हुआ है, लेकिन इसराइल के वॉर कैबिनेट मंत्री ने ईरान को खुलकर ये बता दिया है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा।
אתמול יצאה איראן למתקפה על ישראל ופגשה את עוצמתה של מערכת הביטחון הישראלית. איראן היא בעיה עולמית, היא אתגר אזורי והיא גם סכנה לישראל. ואתמול התייצב העולם באופן ברור, ביחד עם ישראל, מול הסכנה. ישראל נגד איראן, העולם נגד איראן. זו התוצאה. זהו הישג אסטרטגי שעלינו למנף למען ביטחון ישראל. युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, किसी भी वक्त ईरान और इजराइल का तनाव महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो दुनिया को दो ध्रुवों में बंटना ही होगा। यही वजह है कि जब ईरान के रहबरे इंकलाब आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई ये कहते हैं कि वो फिलिस्तीनियों को आज़ादी दिलवाएंगे, वो यरूशलम को मुस्लिमों के हक में आज़ाद करवाएंगे, तो वे एक तरह इस्लामिक मुल्कों को इजराइल के खिलाफ अपनी इस जंग में अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। عملیات وعده صادق را علی پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. ईरान ने एक और दावा किया है। उसने इजराइल पर जिस हमले को अंजाम दिया तो उससे पहले हमले की जानकारी उसने अमेरिका के साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों को पहले से ही दे दी थी और ये कहा था कि ये हमला इजराइल को सबक सिखाने के लिए है, ना कि उसके साथ युद्ध छेड़ने के लिए। که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. मतलब साफ है कि ईरान को भी अमेरिका के जंग में कूदने का डर है, लेकिन साथ ही वो इजराइल को सीरिया में उसके कॉन्सुलेट पर हुए हमले का जवाब दिए बिना रह नहीं सकता था। हालांकि इस बार ईरान ने सीरिया में हुए उसके ठिकाने पर हमले का जवाब इजराइल के किसी विदेशी ठिकाने पर हमला करके नहीं दिया है, बल्कि उसने सीधा इजराइल पर हमला बोल दिया है और इस हमले को तेल अवीव जंग के ऐलान के तौर पर देख रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बीजेपी की करते हैं। दरअसल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विकसित भारत के संकल्प को दोहराया है, लेकिन कांग्रेस इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे मोदी की गारंटी का नाम दिया है। संकल्प पत्र में पार्टी ने महिलाओं, गरीबों और युवाओं के विकास पर खासा जोर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विकसित भारत के संकल्प को फिर से दोहराया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो हमने वायदे किए हैं निश्चित रूप से उन वायदों को पूरा करेंगे। ये बहुत, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, बहुत अभी और करना है। मोदी जी का संकल्प है, पार्टी का संकल्प है और एक एक जो संकल्प पत्र के अंदर आया है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मोदी जी की गारंटी है, यानी कि पूरा होने की गारंटी। और यह संकल्प पत्र हमारा एक ऐतिहासिक संकल्प पत्र है, विकसित भारत का संकल्प है, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प है। जैसा पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसको करके दिखाया, यही मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी के ऊपर ही देश की जनता का विश्वास है। 5 वर्षों तक मुफ्त में राशन, गैस कनेक्शन और पीएम सूर्यगर से जीरो बिजली का सपना, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है, जो निश्चित रूप से फिर एक बार मोदी जी की गारंटी को साकार करने वाली है। और इसमें एक संकल्प लिया है कि नारी वंदन, नारी का सम्मान और नारी को ऊपर उठाने के लिए नरेंद्र जी मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। और उसी क्रम में अगर देश में सबसे ज़्यादा सम्मान
महिलाओं का हुआ है तो वो नरेंद्र जी मोदी के कार्यकाल में हुआ है। एक और जहां बीजेपी अपने घोषणा पत्र को विकसित भारत का रोड मैप बता रही, तो वहीं कांग्रेस इसे गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि 2014 और 2019 में जो स्थितियां थी वो अब बदल गई हैं। जो भी वादे किए गए थे वे वादे ही धरे रह गए। 14-19 में जो माहौल था वो स्थिति रही नहीं उन लोगों की। अब जो वादे करते करते निभाए नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया, वो तमाम वादे रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव में जो घोषणा पत्र है वो झूठ और असत्य का पुलिंदा है। पहले भी उन्होंने किसानों को MSP देने का वादा किया था, वो आज तक नहीं कर पाए। किसान की आय दुगनी करने का भाषण दिया था, वो आज तक नहीं कर पाए। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, वो आज तक नहीं कर पाए। बीजेपी से पहले कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इसे न्याय पत्र का नाम दिया। एक और जहां बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी योजनाओं को जारी रखने और उनका दायरा बढ़ाने, 2047 तक विकसित भारत बनाने समेत कई बड़े वादे किए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में सामाजिक न्याय के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए। चुनावी मौसम में वादों की बारिश से जनता का समर्थन जुटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। किसके वादे पर जनता एतबार की मोहर लगाती है, ये जानने के लिए हमें 4 जून का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तो 4 जून नतीजों की घड़ी, बहरहाल ये घड़ी